नमस्कार साथियों, मैं चंद्रजीत, आपका अपना डीआर चंद्रजीत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, अभी जो आप बैकग्राउंड में जो देख रहे हैं, इसमें एक बकरी है। बकरी जिसको अत्यधिक चारा दाना खाने लेने के वजह से बहुत ज़्यादा आफरा हो गई है, बहुत ज़्यादा पेट में गैस बन गई है और ऐसा लग रही है कि यह बकरी अब बचने लायक नहीं है। तो अगर इस तरह की कंडीशन बकरी में हो जाए तो कैसे ट्रीटमेंट करना है, क्या दवा देना है जिससे पशु जो बकरी है उसको जो आफरा बन गई है, गैस बन गई है, उससे बिल्कुल ठीक हो जाए। तो चलिए साथियों, आपको हम बताते हैं इस तरह की परेशानी अगर बकरी में आ जाए तो क्या ट्रीटमेंट करना है। तो सबसे पहले साथियों, इस तरह की परेशानी में आपको डायरेक्ट रूमेन पंचर करना है। रूमेन पंचर जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको सुई के मदद से, सुई के सहायता से आपको रूमेन पंचर करना है और रूमेन पंचर करने के बाद आपको डायरेक्ट पेट में से गैस निकालना है। आप रूमेन पंचर करके जब डायरेक्ट गैस निकालिएगा तभी इस तरह के परेशानी से आप बकरी को जिला सकते हैं। कम सम रहेगी, थोड़ा बहुत अगर गैस रहेगी बना हुआ तो आप जो दवा दीजिएगा उससे ठीक हो जाएगी, लेकिन अत्यधिक बहुत ज़्यादा अगर आफरा हो जाती है, गैस बन जाती है और बकरी गर्दन नीचे गिरा देती है और कराहने लगती है, तो इस कंडीशन में जो है कोई दवा भी हम इसको नहीं पिला सकते हैं। तो इस तरह के कंडीशन में जो है रूमेन को पंचर करके और गैस निकाला जाता है और गैस निकालने के बाद अब क्या इंजेक्शन दिया जाता है वह आपको हम बताते हैं। सबसे पहले एसी लॉक नाम से इंजेक्शन आती है। एसी लॉक यह 2 ml की एम्पुल में आती है। यह एसी लॉक जो है पूरा 1 ml IM कर देना है, मांस में एसी लॉक इंजेक्शन लगा देना है, पहला इंजेक्शन। दूसरा इंजेक्शन आपको जो है एक डायलोना एक्वा नाम से इंजेक्शन आती है। डायलोना एक्वा एक इंजेक्शन आती है डायलोना, और एक इंजेक्शन आती है डायलोना फोर्ट, और एक इंजेक्शन आती है डायलोना एक्वा। तो आपको डायलोना एक्वा इंजेक्शन लेना है। डायलोना एक्वा इंजेक्शन आपको, यह भी 2 ml के एम्पुल में आती है, पूरा 2 ml आपको इंजेक्शन IM आपको दे देना है। गैस निकालने के बाद आपको मात्र यह 2 इंजेक्शन देना है आपको और आपका बकरी जो है बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। तो साथियों, अभी जो बकरी को अत्यधिक बहुत ज़्यादा आफड़ा हो जाती है किसी वजह से, ज़्यादा खाने की वजह से या फिर किसी और परेशानी की वजह से ज़्यादा आफड़ा हो जाती है, तो कैसे उसको रूमेन पंचर किया जाता है या आपको हम बताएं, यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।